और ये हमारे जीजा जी हैं गाइस। और दीदी जिसको शॉपिंग करानी है चेहरा देख लेना, इनसे शॉपिंग करा लेना। ये नौजवान की चूल्हे देखो गाइस, फर्स्ट टाइम है शायद इनका चूल्हा बनाने का। और ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाली बना रही है, और ये सालों का एक्सपीरियंस चल रहा है यहाँ पे। और ये सासू माँ जी है, और ये काम करनी है, जो ये इन्होंने काम किया है। कितने कट्टे निपटा दिए आज? आज छह कट्टे निपटा दिए। और आती है शादी वाले आते हैं ना, यही शॉपिंग कराती हैं। आ, मैं करा दूंगी 50-60 शॉपिंग लोगों की परिवार की करा चुकी होंगी। देखो ये चाची का बन गया, ये हमारा परफेक्ट चूल्हा। और इनका पता नहीं क्या बना है, गणेश जी की मूर्ति बना रही है। और ये मोदक धर दे रहे हैं। ये देखो गाइस आ रहे हैं घर से सामान लेके, और आधा सामान तो देखो आधा देख अपना अपना बैग लेके आए हैं गाइस। और सारा सामान तो हमने मेहनत करी है, ये अपने अपने फोटो लेके आए। देखो मेहनत करवा रही है, स्टेशन मास्टर खड़े हुए। और ये हमारे स्टेशन मास्टर खड़े हुए टिकट ले देखने आए अभी। और देखो गाइस कितनी सारी शॉपिंग कर दी इन्होंने, 2-3 दिन का सामान है ये, और अभी थोड़ा बहुत रह गया है। और चेक दिस आउट, सब तैयार हो के आ गए। और ये हमारे जीजा जी हैं गाइस। और दीदी जिसको शॉपिंग करानी है चेहरा देख लेना, इनसे शॉपिंग करा लेना। और गाइस बहुत ही अच्छी शॉपिंग कराएंगे, और अभी ठंडा मौसम हो रहा है और ट्रेन का वेट हो रहा है, और ट्रेन अभी लेट हो गई है, 12:45 की ट्रेन है, और वेट कर रहे हैं गाइस। और ये हमारी दीदी है, दीदी जी जाना शॉपिंग करा दूंगी। और ये हमारी मौसी की लड़की, कपड़े लेने आ जाना है, और बहुत अच्छी शॉपिंग कराती है। शॉपिंग कराती हैं, मैं करा दूंगी 50-60 लोगों की परिवार की करा चुकी होंगी। धर्म पत्नी स्टेशन मास्टर की। और ये स्टेशन मास्टर उधर हैं, टिकट चेक कर रहे हैं अभी। और ये स्टेशन मास्टर की धर्म पत्नी है, ये हमारी दीदी के बच्चे हैं, ये इनके बच्चे, एक ही बच्चा है इनका, शैतान उपात रहता है। फाइनली हम पहुंचे स्टेशन में, और अभी बरेली सिटी स्टेशन में जो पास में पड़ता है, और अभी जा रहे हैं खटीमा से लगभग 3-4 घंटे। और ये मेरा बाबू, ये हमारा लड्डू गोपाला, देखो गाइस खेलता रहा कैसे दिख रहा है। और ये नया एक शैतान राम, और ये हमारा उत्कर्ष भाई साहब। तो गाइस फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है, और आज चौथा दिन है, चौथा दिन में हम घर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डेट फिक्स करने जाएंगे। और हमारे में कल्चर है दिन रखने का, लड़के वाले जाते हैं, लड़की का मछली फिक्स लेके कभी कल जाएंगे, तो आज जरूरी जाना है हमें, अर्जेंट पहुँचना है, अभी जाएंगे और छुट्टी में जाएंगे वहाँ से, और देखते हैं वहाँ पे। तो हम सब लोग जा रहे हैं, शॉपिंग हो गई, थोड़ी बहुत रह गई, जो शादी का सामान है वो तो सब ले लिया, शादी वाड़ी, और जो देते हैं हमारे में कल्चर है वो देने का, तो वो भी सामान ले लिया हमें। और छुट्टी में देखने से जीजा को बुलाएंगे कार में, और क्योंकि बहुत सारा सामान हम ले सकते, तो देखते हैं शाम को पहुँचते हैं, 4 घंटे लगेंगे, और ट्रेन अभी लेटे हुए 2 बज रहे हैं, तो मिलते हैं आपको छोटे में, और देखते हैं कभी 3 घंटे लेट होगी तो मिलते हैं। ना बोली नहीं बसों ना मायालू बचन ले तिमीलाई झस्काए कसम नखाइदिउँला म बरु तिम्रो लाली ले अङ्गा। सब जा रहे हैं दीदी और जीजा, टाटा कर दो, बाय। और सामान रख गए यहाँ पे, सब लोग बैठ गए हैं,
और ये जाते हुए गाइस, और ये सामान है। बाय बाय, आना शादी में मिलेंगे। टाटा टाटा, बाय बाय। और काफ़ी लेट हो गई, ये वैसे 12:45 की ट्रेन थी और लगभग 2:30 आई है, तो काफ़ी लेट है। और लेकिन कब उसको कम स्टॉपेज थी और जो उस दिन आए थे तो काफ़ी बहुत और आवाज़ में थोड़ा एडजस्ट कर लेना उसके लिए चलते हैं। और काफ़ी बैठनी पड़े और लंच कम में करके आ गए और देखेंगे। और खड़ी में लगभग यहाँ से खड़ी में उतरी है, तो खड़ी में 10 पकड़नी पड़ेगी हमें। सब लोग इंतजाम करते हैं और चलते हैं वहाँ पर। और कुछ है और ये यहाँ पर बैठे हैं गाइस, और ये हमारी मौसी पोज देते हुए घर जा रहे हैं गाइस। इतना सामान लेके जा रहे हैं गाइस, ऊपर भी सामान है नीचे भी सामान। और ये हमारी फोटोग्राफर हैं ये, और ये पोज दे रही हैं अपने। और ये हमारा लड्डू। तो गाइस अब इनका फोटो शूट होगा यहाँ। तो गाइस फाइनली पहुंच गए कटी में, और ये सामान लाते हुए और वो सामान ला रही है। और देखो गाइस इतना सामान आ गया, और ये ले जाते हुए कूली बन गए यहाँ पे ये, और वो पीछे आते हुए यहीं पे रख दो बात। हम तो फाइनली खटिया पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बस में चढ़ते हुए। See next morning. Hey guys, good morning. Welcome back to another episode. मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सुबह से काम था लेकिन शूट नहीं कर पाया, दिखा नहीं पाया। सो आज मैं आपको बता दूं कि आज फाइनली भाई की शादी की डेट फिक्स होने वाली, फिक्स हो गई फाइनली, दिन रख गया है। और मैं अभी थोड़ा आपको थोड़ी देर में बता दूं। सो हमारे यहाँ चूल्हा वो करते हैं मतलब आज के दिन, तो अभी दिखाता हूँ ऊपर जाके, से मिलते हैं गाइस। गाइस यहाँ पे हमारे चूल्हे बन रहे हैं और ये हमारी 7 जनी आ गई और ये चूल्हे बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है गाइस। और ये पता नहीं ये क्या बन रहा है अभी, अलग अलग डिजाइन के यहाँ पे चूल्हे देखने को मिलेंगे। ये लगे पड़ा कंपटीशन चल रहा है अपना अपना कौन सबसे पहले बना पाए। जिसको जैसा आता है वो वैसे बना दो। मैं तो हम तो ऐसे डाल रहे हैं बस बुलाई करते हुए। ए तू तो एक ही में कर दी पूरी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो गाइस ये 7 जनी हैं और ये सालों 7 चूल्हे बनाएंगी और दिन रख गया। एंड गाइस हमारे में एक रिवाज होता है कि दिन फिक्स हो जाता है तो चूल्हे बनाते हैं, तो 7 जने चूल्हे बना रहे हैं और ये लगे पड़े अपने कंपटीशन चल रहा है कौन सबसे पहले बना पाए। ये नौजवान की चूल्हे देखो गाइस, फर्स्ट टाइम है शायद इनका चूल्हा बनाने का, और ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाली बना रही है और ये सालों का एक्सपीरियंस चल रहा है यहाँ पे। और ये इनका डिजाइन बन रहा है, ये चूल्हा बन गया है, मुड्डे खड़े हो गए हैं, सोफा सेट के मुड्डे खड़े हो गए। और इनका पता नहीं भुट्टा लग रहा है। ये चौथा मुड्डा आ गया ये।
एकदम मैं कह रहा हूं। अरे खाली वो रखो फिर अपने आप मट्टी इसको पकड़ेंगे। ये लड्डू आ गया और ये हमारे चूल्हे बनाते बनाते थक जा रही है। अरे भैया हार तो बन रहा कि ना बन रहा भैया देख लिया हमारा ये देखो ये चाची का बन गया ये हमारे परफेक्ट चूल्हा और इनका पता नहीं क्या बना है गणेश जी की मूर्ति बना रही है और ये मोदक धर दे रहे हैं चेक दिस आउट ये है बनाने वाली देख सकते हैं कौन किसका है ये ढुड्डे रख दिए उन्होंने मोदक वाले जैसे तू लड्डू से लाग रहा है वो बेचारे कहां से समा रहे एक का समा समार समार तो आते आते तो पहुंचेंगे लिया भैया एक कर कराओ सम्मान और की समान आ रही है साफ नहीं है ले मिट्टी कम पड़ी मेरे को बहुत पड़ा चाचा का चाची का पूरा लेस तो क्या करा हम तो ही पहले थोप दो रहे ऐसे अपने अपने इसमें बताओ जल्दी ले चूल्हे को खाट डाल रही है खाना खिला रही ताकि बड़े हो जाए जल्दी से जल्दी अरे मत भाई मैं धर दो दूरी सब ले बढ़ जा वो मेरी प्रसाद आनी चढ़ा दियो प्रसाद चढ़ाओ अपने अपने देवता को पूज दियो ये सब उनके देवता है तो ये तो कुछ तो चाहिए अच्छा जी बेचक तो और चढ़ा दे ये अब मेरे को चढ़ा दे एक बार ही बड़े कर देगी चढ़ा ले सब अपने देवता में फाइनली चूल्हे हो गए हैं और अब इनको नीचे प्रसाद देंगे सब चलते हैं नीचे और नीचे मौसी लोग काम कर रही हैं मतलब चावल अवल वो करवा रही हैं तो निकालता हूँ पीस आउट गाइस यहाँ पे दो लगी पड़ी है सुबह से काम करने में और ये सासू माँ जी है और ये काम करनी ये दो ये उन्होंने ही काम किया है कितने कट्टे निपटा दिए आज आज छह कट्टे छह कट्टे निपटा दिए और रह गए बाकी आज देखेंगे टाइम लेके तो और करेंगे ऐसे कुछ देखो चलने से ये सही करती हैं गाइस और ये हमारी सासू माँ और ये नया फोन चलाने लगी पड़ी है चाय बनाते हुए यहाँ पे चाय बना रही हूँ मैं उनके लिए सबके लिए दावत कर रही है एंड गाइस कल ही आए हैं बरेली से तो शाम को आए थे तो कल ब्लॉग शूट कर पाए थे तो अब शूट कर रहा हूँ मैं और काफ़ी सामान था तो दिखा देता हूँ और हमने रख दिया है सब चलते हैं अभी इनको चाय पिला देते हैं सब मिलते हैं।